बच्चों परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एक करके आप देखिएगा। संवर्ग प्रगुण के बारे में पहले बताएंगे कि इसमें क्या होता है। जिस प्रकार से मैंने परिमेय संख्याओं के जोड़ने की संक्रिया के प्रगुण आपको बताए थे, उसमें संवर्ग प्रगुण आपको बताया था सबसे पहले, तो उसमें क्या बताया था, मतलब कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो हमें योगफल प्राप्त होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से यहाँ भी दो परिमेय संख्याओं के घटाने पर भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये मैं आपको यहाँ पर, ये बात सत्य है, ये संवर्ग प्रगुण को परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो इसका पालन करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन देखिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन है उदाहरण, इसमें से बच्चों मुझे 3/7 को घटाना है। अब देखिए जब इसका उत्तर जो आएगा वो क्या होगा, क्या वो एक परिमेय संख्या होगी? तो यहाँ पे 5/8 बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, एक ऋण अंदर एक ऋण बाहर है, तो ये हो जाएगा ऋण, ये 3/7 हो जाएगा, है ना। चाहे ये ऋण ऊपर हो चाहे नीचे हो, बाहर एक ऋण है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे और धन का निशान आने की प्लस हो जाएंगे। -5/8 + 3/7 यानी ये हो गया आपका। अब आप देखिए ये दोनों क्या है, हर असमान है, और इसका जब हम लासा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लासा इसका बच्चों 56 निकलेगा। और इसमें कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्योंकि 7 × 56 हुआ तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 8 × 56 = 7 × 56 इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं। इस तरीके से हो गया, ये कितना हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया बच्चों, 24 हो गया, नीचे 56। आगे क्या आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ऋण 35 है और ये 24 है, तो 35 में से 24 जाएंगे तो बच्चों कितने आएंगे बताइए, आएंगे नहीं आएंगे, 11। लेकिन ये ऋण के आएंगे कि धन के आएंगे, देखिए माइनस के आएंगे, क्योंकि -35 और 24 है प्लस, तो 35 क्या होता है, वो हमारा बड़ा नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन जिस पे भी है उसके हिसाब से हम, जिस माइनस का साइन यदि यहाँ होता बीच में तो ये धन का ही आता, लेकिन अभी इस पे है तो इसलिए ये ऋण का आएगा। यहाँ हम इस तरह से भी मान सकते हैं, मान लीजिए मेरे ऊपर 35 रुपये उधार हैं और मैंने किसी को 24 रुपये दे दिए, तो मेरे ऊपर कितने उधार रहे, मेरे ऊपर फिर भी 11 रुपये उधार रहे, ऋण रहा ना, तो वही माइनस 11। इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। तो ये हमारा यहां पर क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं, यस, यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या जब नहीं होती, जब नीचे 0 आता, इसलिए जो है परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये जो है संवर्ग प्रगुण को ये पालन करती हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है, चाहे उन्हें घटाना हो चाहे जोड़ना हो। अगला प्रगुण जो था वो हमारा विनिमेय प्रगुण था। कौन सा प्रगुण था, विनिमेय प्रगुण, चलो इसे भी कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं विनिमेय प्रगुण का आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो घटाने की संक्रिया यानी कि विनिमेय प्रगुण को क्या करती हैं, ये इसका पालन करती हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कैसे, यहां पर यदि मैं इसी को, ये क्या ये इसके बराबर होगी, विनिमय प्रगुण का पालन करती है क्या नहीं करती है ये हमको देखना है, यानी कि घटाने में क्रय विनिमय प्रगुण का ये पालन नहीं करती है, ठीक है। तो विनिमय प्रगुण का पालन ये नहीं करती है, ये अभी हम साबित कर सकते हैं। जैसे ये जो है क्या ये बराबर है, ऋण 8/9 क्या ये इसके बराबर है, क्या कहने का मतलब, क्या ये दोनों संख्याएं बराबर होंगी? तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बराबर होंगी। देखिए
29, 24 और 9 का एलसीएम निकालिए बच्चों, तो कितना होगा? ये 72 होगा, ठीक है, 72 होगा। यदि आप निकाल सके तो यहाँ निकाल लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे करके, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? दो एक दो, दो दूनी चार, नौ का नौ, दो छिक बारह, नौ का नौ, दो तीन छः, नौ का नौ बच्चों, तीन एक तीन, तीन छिया नौ। अब देखिए लासा क्या होगा, दो गुणा दो, देखिए दो गुणा दो गुणा दो, तीन बार दो है, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, आठ चौबीस, चौबीस दिए, देखिए बहत्तर आया एलसीएम। इस तरह से लासा निकाल लेंगे बहत्तर, चौबीस दुनी अट्ठाईस, चौबीस दिया बहत्तर बच्चों, तो ये हम तीन से गुणा करते हैं, बहत्तर को चौबीस से आप भाग करते हैं तो कितना आएगा? तीन आएगा, तीन से हम ऊपर अंश से गुणा कर देंगे, और नौ, यदि बहत्तर को नौ से भाग करेंगे तो आठ आएगा, तो आठ को हम ऊपर गुणा कर देंगे बच्चों, इस तरीके लाइक दिस। ग्यारह तीन तैतीस बच्चों होगा, और अट्ठू अट्ठू चौसठ होगा, नीचे आएगा बहत्तर, इसके बाद आप इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 97/72, दिस इज द आंसर बच्चों, ठीक है। अब हम उधर का निकालते हैं, क्या यही आएगा? अब उधर वाले का हम लोग करते हैं, लासा बराबर ही होगा, इसलिए लासा दोबारा निकाल के नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है बच्चों। अब देखिए इसको करते हैं, ये देखिए ये जो बराबर का निशान हमने लगाया है, क्या ये बराबर होंगे? ये क्वेश्चन है, यहां भी बहत्तर आएगा बच्चों नीचे, और ये क्या होगा? ऋण आठ और आठ, फिर तीन, देखिए अट्ठू अट्ठू चौसठ तैतीस। अब यहां कितना आएगा? ऋण 97/72। देख लीजिए अब आप दोनों के आंसर को मैच कर लीजिए, क्या ये दोनों समान हैं? ये है प्लस 97/72 और वो है माइनस 97/72, तो बच्चों दोनों के उत्तर बिल्कुल अलग हो गए। इसका मतलब परिमेय संख्याएं विनिमेय परगुण का पालन नहीं करती हैं, लेकिन यहीं पर यदि हम परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे थे तो क्या कर रही थी? विनिमेय प्रगुण का पालन कर रही थी, लेकिन जब हम उनको बताते हैं, जब उनके क्रम को बदल देते हैं, तो ये विनिमेय प्रगुण का पालन नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या हमारी इसके बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रगुण की तरफ चलते हैं, जो कि साक्षर है प्रगुण, उसको भी करके आपको दिखा देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे साहचर्य जो प्रगुण है परिमेय संख्याओं का, मैं उसको करके आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता है, क्या ये संख्या, इसको यदि मैं इस तरीके से लिखूं, इसको मैं एक संख्या को बाहर कर दे रहा हूं, और ये जो दो संख्याएं हैं हमारी, देखिए मैंने क्या किया, ये जो संख्या थी इसको मैंने बाहर कर दिया, ठीक, और इन दोनों संख्याओं को मैंने घटा दिया, यानी इसमें से मैंने इसको घटा के ऐसे लिख दिया, ठीक है, और ऋण का ऋण बाहर आ गया, सिर्फ मैंने ब्रैकेट को चेंज, यहाँ पे पहले क्या था, दो संख्याओं को मैंने सॉल्व किया, फिर उसमें से तीसरी संख्या को घटा दिया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन आखिरी की दो संख्याओं को क्या कर रहा हूँ, इनको मैं घटा रहा हूँ, और उसके बाद इसमें तीसरी संख्या में से इसके पूरे के पूरे जो उसका जो आंसर आएगा, इसका जो हल आएगा, उसको मैं इसमें से घटा देता हूँ। तो पहले मैं दो संख्याओं में से तीसरी घटा रहा था, अब मैं इस तीसरी संख्या में से जो पहली संख्या थी उसमें से दूसरी दो संख्याओं के हल को घटाऊंगा। तो इस यदि ऐसे यदि हम करते हैं तो क्या ये दोनों के दोनों बराबर होंगे? ये सोचने वाली बात है। देखिए इनको दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और ये सिद्ध करेंगे क्या ये वास्तव में
ये सही है। साचर प्रगुण को क्या ये जो है परिमेय संख्याएं जब हम घटाते हैं तो क्या ये इसको इसका पालन करती हैं। चलिए देखते हैं क्या करके। सबसे पहले ये वाली हम सॉल्व करते हैं 3/4, यानी कि उसके बाद यहाँ पे देखिए ऋण का निशान है तो ये धन का हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ये क्या, पहले ये ऋण है, ये ऋण है तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको करेंगे यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 3/5 और ये 1/4, ठीक बच्चों, ये ऐसे ही उतार दीजिए। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20। इसको ब्रैकेट क्लोज 2/3, अब ये कितना हो जाएगा, 19/20 और ये ऋण 2/3। अब बताइए अब आगे क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम जब इन दोनों का लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा 60 और ये ऊपर 19, तो 20 + 60 तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई और ये कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब आप क्रॉस करेंगे तो 20 ही आएगा, ये गलती से हो गया था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 60 बच्चों। अब देखिए 57 और 60, तो यहाँ पे ऋण का निशान है 60 पे और धन का निशान 57 पे, तो कितना उत्तर आएगा, ये आपका बच्चों कितना आएगा, एक मिनट कहीं गलत हो गया क्या, अच्छा सॉरी यहीं से गलत चल रहा है हमारा ये क्वेश्चन, इसको बच्चों यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऋण था, ये बच्चों क्या था, ऋण था, यहाँ पे करेक्ट करना होगा, इसको धन करना होगा, ये गलती से कर दिया है मैंने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इस पे, ये ऋण था दोनों, यहाँ पे धन हो जाएगा, ये यहाँ पे धन हो जाएगा और यहाँ पर भी धन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमको इसको करना है। अब यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ये देखिए इस तरह से गलतियां हो जाती हैं जब हम मैथ करते हैं तो, और ये गलतियां होती हैं अक्सर, कहीं ये थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो हमारे ये गलती होनी संभव है। तो ये हो जाएगा हमारा 90, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये, सॉरी देखिए कुछ ज्यादा ही गलतियां हो रही हैं आज, 20 × 2 = 40 होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा ध्यान इधर इधर उधर होने से ये गलतियां होती हैं, तो ये हो जाएगा 97/60, ठीक है। पहले गलती हुई थी निशान की, साइन गलत लग गया और उसके बाद हमने यहाँ पर एलसीएम के द्वारा उसको भी गलत कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे मैथ्स में गलत हो जाते हैं, आप बहुत आसानी से गलत हो जाते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान हमारा भटका कि हम लोग फिसल गए, यानी कि एकदम से गलतियां होती है मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा 97/60 97/60 आया। इस प्रकार से हम अगला वाला जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पे बच्चों 3/4 − 1/-5 और ये +2/3, क्यों, क्योंकि ये माइनस, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, 1/-5 है, यहाँ पे 3 है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों इसका एलसीएम लीजिए, 15 आएगा, उसके बाद −1 × 3 ये +2 × 5 ये का निशान, ये हो जाएगा −3 + 10/15, ठीक है। इस तरीके से ही हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ी जगह स्पेस कम है, यहाँ कर देते हैं। तो आप देखिए ये तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा 3/4 और यहाँ पर ऋण बाहर आएगा। अब इसको यदि 10 में से 3 गए कितने होंगे बच्चों, -7,
7 होगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये 7 हो जाएगा, 7/15। ठीक है, अब यदि हम इसको ओपन कर दें तो ये -7/15 होगा। ठीक है, अब इसको कीजिए, 60 आएगा एलसीएम इसका, और 3 × 15, और ये 7 × 4। यहाँ पे हमारा होगा 15 × 3 = 45, और 7 × 6 = 28। 45 में से बच्चों 28 गए, कितने हुए? 17/60। देखिए यहाँ पर हमारा आया था 97/7 और यहाँ पे 17/7। इसका मतलब क्या? यहाँ पर जो है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये दोनों के दोनों, जब हमने दोनों परिमेय संख्याओं को, तीनों परिमेय संख्याओं को जब हल किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो उत्तर हैं, जो इनके हल करने पे हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब जो परिमेय संख्याएं होती है हमारी, वो क्या करती हैं? वो कहीं ना कहीं साचर्य प्रगुण को, उसका पालन नहीं करती। जब हम उनको क्या करते हैं, जब उनको घटाते हैं हम, तो ये साचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती, लेकिन जब उन्हें जोड़ते हैं तो ये करती हैं। देखिए जोड़ना जब हमने सीखा था, तो उसमें तीनों के तीनों प्रगुणों का ये पालन कर रही थी। ठीक है, साचर प्रगुण का भी कर रही थी, और इसके अलावा विनिमय प्रगुण का भी और संवरक प्रगुण का भी ये कर रही थी। लेकिन यहाँ पर संवरक और साचर प्रगुण का ये पालन नहीं करती है, सिर्फ विनिमय प्रगुण का, संवरक प्रगुण का ये करती है, विनिमय का और साचर प्रगुण का ये पालन नहीं करती है। ठीक है, तो ये था आज का। ठीक है, और इसके बारे में अब आपको कल हम बताएंगे, बंसी अभ्यास कैसे की जाएगी, क्या होगा, ये आपको कल बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।